इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं जिसमें 26,147 पोस्टों पर बहाली होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए आपका इसमें कोई डाउट हो तो। फ्रेंड, ये फॉर्म कल से भरा जा रहा है, यानी 25 से फॉर्म भरा जा रहा है। कल सर्वर नहीं चलने के कारण वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। अगर आप चाहते हैं फॉर्म भरना तो आपको सबसे पहले ये वाले साइट पर आ जाइएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ गूगल में टाइप कीजिएगा एसएससी जीडी, ये साइट ओपन हो जाएगा जिसपे आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर एससी जीडी का अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं किए हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक करके आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अदरवाइज पहले से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड फिल कीजिए, उसके बाद लॉग इन पर क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म भरने वाला ओपन हो जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमने इसके पहले ही वीडियो बना दिया था जो यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप इजीली रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सो चलिए बताता हूँ कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। हमारे पास पहले से रजिस्ट्रेशन है पर हम रजिस्ट्रेशन को भूल गए हैं, चाहते हैं कि फिर से रजिस्ट्रेशन निकाल कर और फिर से फॉर्म भरे। सो इसके लिए हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी अदरवाइज यहाँ फोन नंबर फिल कर दीजिएगा। उसका सबमिट पे जब क्लिक कीजिएगा फोन पे ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को फिल आपको करना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को फिल कर देते हैं एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे एक पासवर्ड अपना खुद से क्रिएट कर लीजिएगा, इसको कंफर्म कर देंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं ये सक्सेस हो गया, नेवर करते हैं एंड यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आप अपना जो यूजर आईडी देखे हैं उस यूजर आईडी को फिल कर दीजिएगा, जो पासवर्ड आप बनाए हैं उस पासवर्ड को फिल कर दीजिएगा, उसका कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये होम पेज ओपन हो जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। सो इसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका पूरा ए टू जेड बेसिक डिटेल आ जाएगा। अगर इसमें आप चेंजेस कुछ करना चाहते हैं, जैसे पहले आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो 10th पे रजिस्ट्रेशन किए होंगे, अगर आपका एजुकेशन हाई हो गया है तो अगर आप चाहते हैं उसे मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इजिली आप रजिस्ट्रेशन को अपना चेंज भी कर सकते हैं। सो इधर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आ जाना है आपको 14 नंबर कॉलम में। यहाँ पूछा है कि अगर आप पहले से कोई सर्विस मैन है तो यस के जरिए अदरवाइज नो कर दीजिए एंड फिर उससे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको आ जाना है 15 नंबर कॉलम में। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ से नो कर दीजिए। उसके बाद फिर से आपको आ जाना है नीचे। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। अगर आपके पास हो तो यस कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, एस सी सर्टिफिकेट है। सो उसके बाद हमारे पास नहीं है तो फिलहाल हम नो कर देते हैं। यहाँ से एग्जाम सेंटर के बारे में पूछ रहा है, जहाँ से पे आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं उसके बाद 18 नंबर कॉलम जो कंप्यूटर मोड में एग्जाम देने वाले हैं एक लैंग्वेज में दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश या अदरवाइज जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको नीचे कंफर्म कर दीजिए, इसके नीचे आइएगा। उसके बाद आपको 19 नंबर कॉलम में अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर से इसको कंफर्म कर दीजिएगा एंड 20 नंबर कॉलम में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर से इसको कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट कोड भरना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका कोड भरना है। सो इसके लिए आपको यहाँ पोस्ट डिटेल जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ एच, यानी जिस भी पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं। सो ए टू जेड यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इस कोड को आपको इसमें फिल करना होगा। जिस भी पोस्ट पे आप सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे एस एस बी पर अप्लाई करना चाहते हैं या सी आर पी एफ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं सो यहाँ फिल कर देंगे। जैसे मैं इसमें हम ए एंड बी, उसके बाद इसको नीचे भी कंफर्म कर देंगे। पोस्ट कोड फिल करने के बाद नीचे आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे आइएगा तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा। आप जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे ए टू जेड डिटेल आ जाएगा, जैसे रोल नंबर आ जाएगा एंड बोर्ड आ जाएगा, आपको यहाँ फर्स्ट में सेलेक्ट कर लेना है जो पास है या अभी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप परसेंटेज डाल दीजिएगा, कितना परसेंट आपका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 27 नंबर कॉलम में इसको आप यस करें या नो करें इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे फोटो 20 से 50 के बी का होना चाहिए और सिग्नेचर 10 से 20 के बी में होना चाहिए। सबसे पहले हम फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से फोटो का प्रॉपर्टी देख लीजिए, यहाँ फिलहाल 120 के बी में है, इसको हमको कम करना है। इसके लेफ्ट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से हम पेंट ओपन कर लेते हैं। पेंट ओपन करने के बाद यहाँ रिसाइज पे क्लिक करके और इस फोटो का साइज को हम कम कर देते हैं। जैसे 1000 है इसको 250 कर देते हैं, छोटा हो गया एंड इसको फाइल में गए सेव एस एंड जेपीजी में, इस फोटो को हम फिर से सेव कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ 25 के बी में फोटो हो गया, फिर से ओपन करेंगे और यहाँ से इस फोटो को अपलोड कर देंगे। देख सकते हैं अपलोड हो गया।
उसी प्रकार यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सो सिग्नेचर के लिए फिर से क्लिक किए, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर है लेफ्ट क्लिक करेंगे, ओपन विथ, उसके बाद पेंट एंड। यहाँ अगर आप इंग्लिश या हिंदी सिग्नेचर रखना चाहते हैं जो चाहिए तो सिलेक्ट करके इसको क्रॉप कर लीजिएगा। उसके बाद रिसाइज फाइल पे क्लिक कीजिए, सेव एज पे क्लिक कीजिए, जेपीजी पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे सिग्नेचर भी आप सेव कर दीजिए। ये देख सकते हैं 32 KB हो गया, थोड़ा और इसको हम कम कर देते हैं। कम करने के लिए यहाँ से हम 500 की बात कर दिए, फिर से कंट्रोल एस कर दिए, देख सकते हैं 14 KB में हो गया। फिर से इसको ओपन किए और जो ये सिग्नेचर हमारा था यहाँ पे ये भी अपलोड हो गया। इसको यहाँ से यस कर दीजिएगा, नीचे आइएगा, यहाँ से इसको चेक कीजिए, उसका जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए, उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिएगा एंड आपका ए टू जेड डिटेल यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसमें आप कोई एडिट करना चाहते हैं तो इजीली क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट पे जब क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जब ओके कीजिएगा उसके बाद यहाँ से प्रिंट निकाल लीजिएगा, अदरवाइज यस पे क्लिक कीजिएगा तो ये पेमेंट डायरेक्ट कर देगा। ऑनलाइन पर टिक कीजिए, उसके बाद यहाँ से सबमिट कीजिए एंड इसका पेमेंट मोड खुल जाएगा। यहाँ से आप किस प्रकार पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आप SBI नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या अदर नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, अदर पे क्लिक करना अदर से पेमेंट करना चाहते हैं तो टिक कीजिए, अदरवाइज अगर आप UPI फोन पे या गूगल पे कुछ भी पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा, QR कोड पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे एक QR कोड आ जाएगा जिसको आप फोन पे गूगल पे या कोई से भी स्कैन कर लीजिएगा, उसको पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो फ्रेंड इस पर खूब आसानी से आप SSC GD कॉन्स्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई सा प्रॉब्लम हो तो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, बाय बाय।